हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का न्यू कंसेप्ट देखते हैं। चलिए ये केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व कीजिए, जिसमें क्या है, आयरन जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना रहा है, आयरन सल्फाइड हमारे पास जो है फॉर्म हो रहा है। अब इस रिएक्शन में आप देखिए, ऐसे ही सेकेंड रिएक्शन देखिए कि कॉपर जब आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो है हमें कॉपर आयोडाइड जो है ऑब्टेन होता है। इन दोनों केमिकल रिएक्शंस में जो है ना तो लॉस ऑफ इलेक्ट जो है आपके पास ऑक्सीजन हो रहा है और ना ही गेन ऑफ ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, लेकिन इनको हम जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस में ही काउंट करते हैं दोनों। अब आप कहेंगे कि ना तो यहाँ ऑक्सीजन की एडिशन नज़र आ रही है ना यहाँ पर ऑक्सीजन की रिमूवल नज़र आ रही है, तो ये कैसी जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो हम एक न्यू कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिगार्डिंग जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है, इट इन्वॉल्व्स द गेन और द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सच प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में जो है कि लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो, जैसे कि आप जानते हैं मोस्टली जो हमारे मेटल्स हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है कि मेटल्स जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने के लिए दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एबिलिटी, दे हैव द एबिलिटी टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे लूज आइदर वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेट अस टेक द एग्जांपल सोडियम। सोडियम इट्स वैलेंस शेल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, सो व्हेन इट loses one electron, it acquire positive charge. It means here loss of electrons occur. So this process will be termed as oxidation. So most of the metals, they have the tendency to lose the electrons. Let us take the example of magnesium. Magnesium loses two electrons to acquire the stable configuration and get magnesium 2 plus ion, convert into it and it's get the nearest noble gas configuration. So here is again the loss of electrons occur. So this process is termed as the oxidation process. So mostly most of the metals shows oxidation process. Is it clear? Okay, let us take another example. Now you are having sodium. Now you can see sodium, when it loses one electron, it acquire the sodium cation, one plus charge. So after losing one electron, it acquire one, and if some element like iron, it loses one electron, then it will acquire Fe3 plus ion. That process is also called the oxidation. Similarly, another atom which gains the electron, that is called the reduction process. Let us take the example. Mostly the non-metal shows this property, because like the chlorine, you are having the example, its atomic number is 17 and its valence shell electrons are, we are having
7. So to complete its octet, it requires one electron. So what will happen when chlorine gain one electron and then it changes into chlorine anion? So this process is called reduction process. Similarly, sulfur, it require two electrons to get the stable configuration. So it will convert into S2 minus. So it is also the reduction process. Similarly, iron, when 3 plus, it has a valency, and when it acquire one more electron, it will change into iron 2 plus. Again here gain of electrons occur. So this process is termed as reduction process. I think from the modern or electronic point of view, it is clear कि ऐसा सब्सटेंस जो जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड द सब्सटेंस ऑन द अदर हैंड इज इन्वॉल्विंग इन द केमिकल रिएक्शन एंड गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी टर्म्ड एज रिडक्शन प्रोसेस.